नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 40 वर्षीय प्रशांत ठाकुर की हत्या के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम प्रहलाद ठाकुर है, जिसने प्रशांत की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। रांची पुलिस ने आरोपी को आधारताल रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कांचीपुरम निवासी प्रहलाद की मां के मृतक प्रशांत से अवैध संबंध थे। कई बार प्रहलाद ने मृतक को घर आने के लिए मना कर दिया, पर प्रशांत मानने को तैयार नहीं था, लिहाजा प्रहलाद ने उसकी हत्या करने का मन बना लिया था। आधारताल रेलवे स्टेशन और शोभापुर रेलवे स्टेशन के बीच में कहीं रेलवे ट्रैक पर है, तो दोनों तरफ से टीमों को रवाना करके उसको पकड़ा गया। देर रात पकड़ने पर उसने बताया कि प्रशांत और हीरा ठाकुर के उसकी माँ से अनैतिक संबंध थे, जिससे कि उसको आपत्ति थी और इसी बात से नाराज होकर और काफ़ी देरों से वो सोच रहा था इनकी हत्या करने की। तो आज उसने बुरी तरीके से मार दिया था कल की रात को, और अभी आज सुबह उसकी डेथ भी हो गई है। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय गुरु नानक प्रांतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स खेलों का आयोजन 16 वर्ष से अधिक के बालक बालिकाओं खिलाड़ियों के लिए हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर आज नगर निगम की ओर से रांची स्थित बड़े पत्थर के सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां शिविर में मरीजों के लिए हर प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर उपस्थित रहे। साथ ही शिविर में हर प्रकार की बीमारियों के लिए दवा मरीजों के लिए रखी गई थी। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक के भी चिकित्सक शिविर में मरीजों के इलाज करते हुए देखे गए। इसमें सभी प्रकार की संक्रामक बीमारियां, नेत्र रोग के संबंध में सभी डॉक्टर हमारे उपलब्ध हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी के, जिनके द्वारा रोगियों का जाँच उपरांत दवाई वितरण का कार्य किया जा रहा। अभी तक लगभग 125 रोगी इसका लाभ ले चुके हैं। ऐसे में रहता है 10:30 बजे चालू हुआ था, और जो शाम को 4 बजे तक चालू रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।